बच्चे अपने आसपास के एनवायरमेंटल चीज़ों से उन्हें छूकर, महसूस करके, सुनकर या देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आजकल कंटिन्यूस एक्सपोजर टू गैजेट्स होने की वजह से, जैसे मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, तब ये रियल वर्ल्ड से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते और उनका ब्रेन अंडर डेवलपमेंट की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो आज हम उसी चीज़ से जुड़ी एक कंडीशन के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे कि हम वर्चुअल ऑटिज्म या ऑटिज्म बोलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव छाबरा, पीडियाट्रिशियन गुड़गांव। आज आपको वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में जानकारी दूंगा। वर्चुअल ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जो अक्सर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है, जिसमें बच्चा अपना ज़्यादातर समय स्क्रीन के साथ बिताना शुरू कर देता है। जैसे कि वह ज़्यादा टीवी देखने लगता है या लैपटॉप और मोबाइल पेरेंट्स उनको बहुत जल्दी उम्र में पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन डेवलपमेंट पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उनमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। आप नोटिस करेंगे कि बच्चे के कम्युनिकेशन और बिहेवियरल पैटर्न्स में कुछ बदलाव भी आने लगता है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या लक्षण देखकर उनके बदलाव को हम नोटिस कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स वर्चुअल ऑटिज़म में हो सकते हैं। थिंग्स लाइक हाइपर एक्टिविटी, इनएबिलिटी टू पे अटेंशन, बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर बात पे, जब पेरेंट्स आवाज़ भी लगा रहे हैं तो बच्चा उनकी तरफ सुनता नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले एक्टिविटीज़, स्पीच का डिले होना बहुत कॉमन लक्षण है वर्चुअल ऑटिज़म या ऑटिज़म का, कि समय रहते बच्चा बोल नहीं पाता है, पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो अपनी ही धुन में लगा रहता है। इसी तरह लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, उसको सोसाइटी में दूसरे मेंबर्स जो भी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ही धुन में मस्त रहता है। अगर आप ये गैजेट्स बच्चे से दूर करते हैं तो बच्चा बड़ा इरिटेबल हो जाता है एवं मूड स्विंग्स आते हैं। ये भी बड़ा कॉमन लक्षण पाया गया है वर्चुअल ऑटिज़म का। एवं उनकी सोचने की क्षमता यानी कि कॉग्निटिव कैपेसिटी कम हो जाती है। अब इसे हम जानते हैं कि कैसे ठीक कर सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए कुछ उपाय मैं बताना चाहूँगा। स्क्रीन टाइम को बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा। अगर आप अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सोसाइटी का कहना माने तो लेस देन 2 ईयर्स में तो ये सब चीज़ें देनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद के रिकमेंडेशंस भी 40 मिनट प्रतिदिन 5 डेज अ वीक ही बोले जाते हैं। बच्चे को बॉडी के डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स का एक्सप्लोर कराना, जैसे कि पेड़ पर चढ़ने के लिए या कूदने के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है। वी नीड टू गिव मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रेन एज वेल एज विद अदर एल्डर्स। ग्रुप प्ले टाइम पे ज़्यादा तवज्जो दें। मम्मी पापा का ये रोल होना चाहिए कि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जैसे कि अगर वो टाइम से आ जाते हैं तो बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, उनको रात को सोते वक्त कहानियाँ सुनाएं। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या हम एक्टिविटी कर सकते हैं सो एज टू स्टिमुलेट द ब्रेन। सो पजल गेम्स एज अप्रोप्रिएट आती हैं, कई बार 4 पजल से चालू होती हैं, फिर 8, 16 ऐसे करके कई तरह के पजल गेम डिपेंडिंग ऑन एज ग्रुप आपको लेने चाहिए। देन देर आर सर्टन बोर्ड गेम्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, अगेन वो भी एज अप्रोप्रिएट हों। बच्चे के साथ फिजिकल इंटरेक्शन, टेकिंग देम टू पार्क, अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करें, कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन, 1:1 इंटरेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। बीच पे उनको लेके जाएं, सैंड गेम्स खेलें, ड्राइंग और कलरिंग के लिए भी प्रोत्साहित करें। अब पेरेंट्स को या हमें कैसे पता पड़ता है कि बच्चे में रिकवरी हो रही है वर्चुअल ऑटिज़म से? तो इसके जो रिकवरी साइंस हैं, स्क्रीन टाइम जब आप कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो उसके दूसरे जो सिम्टम्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगता है, जैसे कि कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाता है, वह बच्चा एक जगह लंबे समय तक रुक के बैठ सकता है, आपकी बातें सुनने लगता है, आपके साथ कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, इंटरेक्शन बेटर हो जाती है, आपके सभी कामों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, ग्रुप एंड प्ले एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट उसका बढ़ जाता है। सो दीज आर बीइंग कंसिडर्ड एज साइन ऑफ रिकवरी। अब ये हर बच्चे में बड़ा डिफरेंट रहता है। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने समय में मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उनके साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम अभी भी कितना दे रहे हैं। मेरे रिपीटेड कहने के बावजूद अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत दे रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट,
So these factors play a very important role in particular recovery time, and exact recovery time cannot be set because all kids are different. उनकी सीवियरिटी डिफरेंट हो सकती है, उनके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, पेरेंट्स का उनके साथ इंटरेक्शन टाइम, इंटरेक्शन लेवल डिफरेंट हो सकता है. देयरफॉर वी कैनॉट कंक्लूड टू से कि भाई आपका बच्चा इतने दिनों में सुधर जाएगा. बट माइंड इट, जितना आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना जल्दी रिकवरी होने के चांसेस हैं. मुझे उम्मीद है कि आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे. इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे टाटा 1MG के चैनल पर बने रहें. धन्यवाद.